जब भी हम शोरूम में से अपनी नई गाड़ी घर लेकर के आते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है कि हमारी नई गाड़ी में डेंट या कोई स्क्रैच वगैरह ना पड़ जाए। तो आज मैं आपकी इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए आ पहुंचा हूं डिटेलिंग डेवल्स में। आइए तो अंदर चलते हैं, करते हैं भैया जी से बातचीत और जानते हैं थोड़ा इन चीजों के बारे में। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? यहाँ पे क्या होता है पहले तो डिटेलिंग जो नाम जो है इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। सर डिटेलिंग बेसिकली हम लोग जो करते हैं यहाँ पे, हम लोग सिरेमिक कोटिंग, ग्रेफीन कोटिंग, पीपीएफ जैसी सर्विसेज कस्टमर्स को देते हैं। उसका बेनिफिट यही होता है कि आप अपनी गाड़ी को माइनर स्क्रैचेस, डेली रोजाना के लगने वाले जो स्क्रैच होते हैं उन सबसे बचा सकते हैं और अपनी गाड़ी की शाइन और जो ओरिजिनलिटी है उसे लंबे समय तक ऐसी मेंटेन रख सकते हैं। अच्छा, तो इसका मैं प्रोसेस देखना चाहूंगा किस तरीके से क्या होता है, स्टार्टिंग से बताइए। आइए आइए सर, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे गाड़ी हमारे पास आती है तो सबसे पहले हम गाड़ी की वॉशिंग करते हैं। पहले जितने भी हल्के फुल्के स्क्रैच होते हैं वो सब खत्म किए जाते हैं, गाड़ी की चमक बढ़ाई जाती है बिल्कुल। सर ये हमारे पास डिफेंडर खड़ी है, लैंड रोवर डिफेंडर, इस पर अभी इसमें डिटेलिंग का प्रोसेस चल रहा है। मैं आपको क्वालिटी ही चेक कराता हूँ। जैसे ये पीस है हमारा, ठीक है, ये मैं आपको खींच के दिखाता हूँ इसकी थिकनेस। ये बहुत हैवी क्वालिटी मटेरियल होता है, आप इसे जितना खींचेंगे वापस अपनी स्पेस ले लेता है, ये अपनी वही पकड़ बना लेगा। जी बिल्कुल। और जो इसकी वजह से जो हल्के फुल्के स्क्रैच होते हैं वो सब इस पे नहीं आते, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं पूरी तरीके से, और वो आपके गाड़ी के पेंट को भी खराब नहीं करते हैं। अच्छा, पीपीएफ का फायदा क्या होता है इसके? सर मेन फायदा अगर मैं बताऊं, आपकी गाड़ी की चमक को सालों साल बनाए रखना, प्लस आपकी गाड़ी को स्क्रैचेस वगैरह से बिल्कुल बचा के रखना, और जो ये डेली के रिक्शे बाइक वाले हिट करते हैं उस सबसे गाड़ी को बिल्कुल पेंट को प्रोटेक्ट रखना। अच्छा अपूर्व भाई, मैं देखना चाहूंगा कि कंपनी कितनी मजबूत है, क्या इसकी क्वालिटी बारे में। सर मैं आपके सामने ही अभी बाइक है मेरे पास, इसमें यहाँ पे कुछ स्क्रैचेज आए हुए हैं। ये फिल्म होती है पीपीएफ फिल्म, ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये हमने एक तरीके से एप्लीकेशन कर दिया है इसका, ये एक प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं है, हमने एक तरीके से लगा दिया। अब आप इसे स्क्रैच करके देख सकते हैं, बाइक पर कोई भी आपको स्क्रैच नहीं मिलेगा। जो दोस्तों यहाँ हम आपको पन्नी में जो क्वालिटी है, पन्नी की जो क्वालिटी है वो आपको दिखा रहे हैं, जो इसकी मजबूती है। चाबी वगैरह का यूज कर सकते हैं इसमें, मैं आपको एक चाबी देता हूँ। हम बाइक की चाबी का यूज करके पन्नी में मार लेते हैं, फिर देखते हैं। ये आपके हाथ में चाबी है, चाबी आ गई हमारे पास, बुलेट की चाबी है, इस पर मार सकते हैं हल्का सा। जी जी जी, ये देखिएगा आप इसे घिस सकते हैं अच्छे से। अब मैं इसको अच्छे से दबा के चला रहा हूँ तो ये रपट रही है। जी बिल्कुल, चाबी जो रपट रही है वो, क्योंकि जो अगर हल्का सा दब के चलेगा तो चाबी इसमें इस वजह से रपट रही है क्योंकि पन्नी चढ़ी हुई है, स्क्रैच पड़ ही नहीं सकता। बिल्कुल सर, अब आप इस पे दबा के मारिए, ये देखिएगा, हटा के दिखाता हूँ। ये देखिएगा मैंने इतनी देर से मार दिया, अब हम पन्नी हटा के देख लेते हैं एक बार। ये देखिएगा और आपको अंदर से बिल्कुल, अब यहाँ पे अंदर से आप देख सकते हैं, मैंने इस साइड यहाँ पर चाबी को इस पे घिसा था और चाबी का निशान इस पे कहीं से कहीं तक नहीं है। जैसे अभी आप देख सकते हैं इस गाड़ी पे पेंट करेक्शन का काम चल रहा है अभी। ये गाड़ी भी हमारे पास पीपीएफ के लिए आई है और ये गाड़ी हम डिलीवर करेंगे पीपीएफ करने के बाद। अच्छा, आपकी कंपनी का है यहाँ पे जो डिजाइन वगैरह होता है गाड़ी पे वो भी घेरती है? सर वो डिपेंड करता है कस्टमर की डिमांड के ऊपर, हम लोग कलर्ड पीपीएफ में भी डील करते हैं। अगर हम इसकी लाइफ की बात करें? सर लाइफ इसमें अलग अलग तरीके की आती है, 5 साल, 3 साल से लेकर आपकी 10 साल, 12 साल तक जाती है, वो पैकेज होते हैं। तो पैकेज की स्टार्टिंग क्या होती है? सर स्टार्टिंग अगर मैं एक बाइक की कहूँ वो एक कम से कम कॉस्ट पे स्टार्ट हो जाती है, 2-4 हज़ार रुपये से जाती है आगे तक, डिपेंडिंग अपॉन कस्टमर की क्या जरूरत है उसके हिसाब से। इसमें अंदर की साइड से भी होता है, इनसाइड भी होता है? अंदर हम लोग कुछ पैनल्स करते हैं जो ग्लॉस ब्लैक वाले पैनल्स होते हैं। यहाँ पर अंदर की साइड से भी इसमें पूरी फिनिशिंग दी हुई है? जी सर बिल्कुल, अंदर की साइड से भी पूरा फिनिशिंग दी जाती है, अंदर अलग अलग तरीके के कोटिंग्स और पीपीएफ अप्लाई किया जाता है। कितने टाइम इसको करने में लगता है जो लेमिनेशन वगैरह आप करते हैं? सर डिपेंडिंग अपॉन की कस्टमर क्या फैसिलिटी चूज कर रहा है, हमारे पास 1 दिन से 3 दिन तक का प्रोसेस होता है। बीच में पन्नी ना चढ़े या थोड़ी सी गलत चढ़ जाए जी तो दोबारा वही चढ़ा देते हैं? नहीं नहीं सर, वो फिर नई फिल्म चढ़ाई जाती है गाड़ी के ऊपर। एक बार जो पन्नी चढ़ गई अगर हम उसे वापस से उतार रहे हैं तो वो वेस्टेज है, वो फिर किसी काम की नहीं होती है। अच्छा, इसी गाड़ी पे जब ये सेकंड टाइम आएगी तो पन्नी उतारते कैसे? सर ये हीट गन के प्रोसेस से उतारा जाता है, पन्नी को हल्का सा हीट किया जाता है और उसे पकड़ के उतारा जाता है तो वो इजीली हट जाती है। आप अगर दूर से देखेंगे तो आप कह ही नहीं सकते कि यहाँ पे पीपीएफ इस पे चढ़ी हुई है। जी सर बिल्कुल, आप देखेंगे तो आपको कहीं से पता नहीं चलेगा कि कोई इतनी मोटी फिल्म इस गाड़ी के ऊपर चढ़ी हुई है। इस पे पीपीएफ एप्लीकेशन पूरा हो चुका है, अब इस पे क्लीनिंग का और डिटेलिंग का काम अभी चल रहा है गाड़ी पे। आप गाड़ी की शाइनिंग चेक कीजिए, भले ही अभी गाड़ी गंदी है लेकिन शाइन प्रॉपर है गाड़ी में अभी भी पूरी तरीके। अच्छा, इस पे अगर हम इसकी बात करें इसी गाड़ी पे चढ़ने पे कितना खर्चा आ गया होगा सर, अगर आप बता चाहें? सर खर्चा वो डिपेंड करता है, अलग अलग पैकेजेस रहते हैं, 3 साल, 5 साल, 7 साल, आप जितने पे जाना चाहते हैं, कस्टमर की चॉइस होती है, वो उस हिसाब से गाड़ी पे काम किया जाता है। पीपीएफ जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? सर पीपीएफ होती है आपकी पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। अगर किसी कोई भैया से करवाना हो तो भैया अपना नंबर और एड्रेस बताइएगा। सर हम लोगों का स्टूडियो लोकेटेड है जेलचुंगी चौक, यूनिवर्सिटी रोड, ऑपोजिट कैनरा बैंक, डिटेलिंग डेविल्स मेरठ। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7451084399 पे।